दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने YouTube वीडियोस और वेबसाइट्स के लंबे लिंक्स या URL को कैसे मुख्तसर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्किल्स इनसाइडर और मैं हूं खलील। दोस्तों हमें वीडियोस और वेबसाइट्स के लिंक्स या URL को इसलिए भी मुख्तसर करना ज़रूरी होता है कि हमें अक्सर अपने इन लिंक्स या URL को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करना होता है। ट्विटर पर 140 अल्फाज की पाबंदी होती है। अगर हम बड़े लिंक्स शेयर करेंगे तो वीडियोस या प्रोडक्ट के बारे में लिखना कुछ मुश्किल हो जाएगा और कंप्यूटर से इनको कॉपी और पेस्ट के जरिए हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल और टेबलेट से ऐसा करना कुछ मुश्किल होता है। लंबे लिंक्स या URL कुछ बेहतर नहीं दिखते। दोस्तों हम में से कुछ दोस्त ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अक्सर इन प्रोडक्ट्स के लिए URL काफी लंबे हैं। दो वेबसाइट्स bitly.com और tinyurl.com इस्तेमाल करता हूँ। bitly.com फ्रीलांसर छोटे और दरमियानी कारोबारों के लिए बहुत ही मुफीद वेबसाइट है, जबकि tinyurl.com बहुत सादा आसान लिंक कस्टमाइजेशन साइट है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। चैनल स्किल्स इनसाइडर का लिंक या URL कॉपी करके bitly.com के शॉर्टन योर लिंक के बॉक्स में पेस्ट करूंगा और शॉर्टन पर क्लिक कर दूंगा। bitly ने मेरे लंबे URL को मेरे लिए मुख्तसर कर दिया है। मैं इसे कॉपी करके अपने नोटपैड में महफूज कर लूंगा। URL.com के इस बॉक्स में मैं अपने चैनल का लिंक पेस्ट करूंगा और मेक टिनी अर्न URL के बटन पर क्लिक कर दूंगा और मुझे एक मुख्तसर सा URL मिल गया है। इसको मैं कॉपी करके अपनी नोटपैड में महफूज कर लूंगा। दोस्तों टिनी URL के जरिए आप कस्टम URL भी बना सकते हैं। URL ने मेरे चैनल के नाम का कस्टम URL बनाकर मुझे दे दिया है और अब हम इसे ओपन इन न्यू विंडो में खोलकर देखते हैं। देखें ये URL बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं इसे कॉपी करके नोटपैड में महफूज कर लूंगा। दोस्तों टिनी URL ने नीचे एक एग्जांपल के जरिए प्रोडक्ट्स के लंबे लिंक को एक मुख्तसर लिंक में तब्दील किया है। तो इस तरह हम आसानी से अपने प्रोडक्ट्स के लंबे लिंक्स को tinyurl.com से .com अपने यूजर को ये सहूलत देता है कि वो अपने ब्राउजर में इसे बटन के तौर पर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना होता है कि यहाँ एक छोटा सा tinyurl. लिखा हुआ है, आप इसको ब्राउजर के टूल बार पर ड्रॉप कर दें तो आपका बटन बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको लिंक कस्टमाइजेशन और शॉर्टन URL का तरीका कार समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इसी तरह की मुफीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल स्किल्स इनसाइडर को विजिट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।